ओ माय गॉड, इतनी धुंध, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। फिर यूट्यूब तो रात वाली नींद विद यूट्यूब होंगी है। टेम्परेचर -2 लुधियाने कदों? लुधियाना में -2? हाँ, ऐसे कैसे, इतना कम कैसे? रायगढ़ ऑल्सो -2 इधर का टेम्परेचर देखियो कंचन, कितना आ रहा है अभी? ये सारा कुछ शॉक तो व्हाइट हो रखा है इधर का तो। टेम्परेचर कितना? 13 डिग्री। सूर्य आने वाले वहाँ से। हाँ, सुबह रात को होता है ना, ऐसे नहीं। वो नीचे वाला देखो, ऐसे जो है ना, ये तो सारे दिन का टेम्परेचर है ना। अच्छा, अब तो 9 तक जा रहे हैं। ये तो ना आज का देखो आएगा। हाँ, 5 है, कम से कम 5 है। अच्छा, लुधियाना सर्च करियो। 5 लुधियाना। हाँ, दिल्ली का पॉइंट तो गया होना ना, -2 सारा दिन थोड़ी। लुधियाना 10 और कितना नीचे? -4 कहाँ लिखा है? नहीं, 4 है, सॉरी, हाईएस्ट लो है, 4 है, -4 नहीं, मैं डर गया। -2 भी गया अच्छा। वो एक और एक्यूरेट दस दे होने। नहीं, एक्यूरेट ही दस दे, बट एक पॉइंट ते जाना ना, किसी भी एक पॉइंट ते जाना किते, जरूरी नहीं। तो उसे न्यूज़ से रखे? हाँ, आज का तो ना नींद आ जाए। ग्रीन टी पीन दो, वन कैफीन नहीं आता इसे, थोड़ा इतना का तो वही रगा जी पी दी है। देखो सवेरे सवेरे इतनी ज्यादा है, सवेरे सवेरे वैसे इधर आगे जन्नत है वैसे। oh पूरा वाइट वाइट आज सब तो ज्यादा है एक्चुअली। पता कि पता चल रहा, सामने वाली बिल्डिंग की एक चीज नहीं दिख रही। मैं पाऊंगा वीडियो देख, कल इससे जी जाने हैं डेली आई। आज सामने वाली बिल्डिंग का कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा कुछ। अरे बाप रे, हाँ, सिर्फ आमने सामने के घर दिख रहे हैं, पूरा व्हाइट ही व्हाइट। कल भी नहीं दिख रही, बट देखो वो ठंड नहीं लग रही है। हाँ, ठंड नहीं है, वो ठंड नहीं है, सिर्फ धुंध है, सिर्फ धुंध है, सूखी वाली है, हवा चलेगी अभी जब ये धुंध हटेगी तो। कल थी नहीं, ये जब हटेगी ना तब। हाँ, इसके बाद ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर बहुत तेज। देखा नहीं कल कितनी, इतने दिन से ठंडी ठंडी हवा चल रही है, व्हाइट व्हाइट कितना अच्छा। ये ये तड़का है। ये कैसे तड़का है? ये जब ऐसे पीस देते हैं ना, पूरा मैश कर देते हैं, तो ये ऐसे सिकुड़ के इतना ही हो जाता है। राजमा बन रहा है, बट ये तड़का तो मैंने पहली बार देखा है। पिस्ता वैसे ही हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है पूरा। काट के नहीं बनाया ना, काट के बनाते हैं तो वो पूरा फैला फैला ज्यादा लगता है। ये पिस्ता वैसे ही लगता है, पूरा इकट्ठा हो गया। राजमा खाएंगे? नहीं खाएंगे। अपने रात को? अपने रात को खाएंगे। हाँ, अभी तो वो टाइट है ना। और कल का गाजर का हलवा भी पड़ा होगा। हाँ, पड़ा है, खाने के बाद खाएंगे। ओके, जीजू ने तो कम खाया है, ठीक है, अब आधा तुम्हारा, वो आधा मेरा। ओके, मम्मी ने भेजा था कल गाजर का हलवा ना, बहुत टेस्टी बना है ना। कल रात में मैंने राजू को कहा थोड़ा सा छोड़ देते हैं कल के लिए, बट छोड़ा नहीं हमने, जो अपना ना वो भी पूरा। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, आज ही खा लो जो कुछ है बना हुआ। हाँ, नहीं था जिंदगी में धूप देख के इतनी खुशी भी हुआ करेगी। निकलती हुई लग रही है धूप वैसे आज तो। नॉर्मल खाना बनाते बनाते बीच में मिर्ची का एक्सपेरिमेंट। ओ माय गॉड, मिर्ची डाली तुमने? मिर्ची डालनी है अभी, अभी इसको बेल रही हूँ ना। थोड़ी और डालो ना, उतनी से क्या होगा? बस थोड़ी ही डालूंगी, दो है ये। बाहर तो भरके होते हैं, थोड़ी कम लग रही है, कम लग रही है तुमको मिर्ची, है ना? थोड़ी और डालो ना, एक और डाल देती हूँ ना पहले, एक बार ये से। मेरे एकदम से ध्यान में आया कि यार मिर्ची पराठा बना के देखती हूँ जरा, एक बार पहले भी बनाया था बट बन गया था, पता तुमको, तुम भी खा के देखना ये वाला। फिर मैं भी राजमा के साथ रोटी नहीं खा पाती हूँ, बट इसमें आज हमारी मजबूरी है, बिकॉज हमने कल ना चावल खा लिए थे, इस वजह से आज हम चावल नहीं खा सकते। हर रोज चावल सही नहीं रहते, विंटर्स में स्पेशल ना,
नहीं तो गर्मियाँ होती तो हम लोग खा भी लेते हैं यार। इस वजह से अपने सोचा कि यार सिंपल रोटी तो मेरी भी बस की बात नहीं है, राजमा के साथ खाना। तो अभी पराठा ट्राई कर रही हूँ, देखते कैसा बनता है, फिर दिखाऊंगी आपको। सो गाइस ये देखिए, ये मिर्चियाँ बन तो गए हैं सही है, स्क्वायर में मैंने बनाया, बट ये अलग ही शेप बन गई है थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है एक्चुअली। तो चलो इसको बना के फिर खा के देखते कैसा बनता है। यार क्या पराठा बना है यार राजवीर, क्या पराठा बना है यार। तो खा के बताना ना तुम, खा के क्या, दिखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा पता भी है तुमको। सो गाइस अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है पराठा। सच्ची बोल अच्छा बना, अच्छा बना। मिर्ची है तो अच्छा। एक मिनट रुक तो, जब कहाँ जा रहे हो, खाओ तो सही इसको, तुम खा के देखो गाइस बहुत टेस्टी है सच्ची बता रही हूँ। मिर्ची डाली है ना, डाली इसमें, ऐसे भी नहीं है भाई, इतनी खतरनाक थोड़ी है ना, बट लाल मिर्ची है ये, दूसरी फीकी वाली होती है ना वो डाल के बनाऊँ, क्या टेस्टी बनेगा। अच्छा बना ना, खाने में अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस अभी ना हांडी के अंदर गर्म कर रही थी मैं, छोटी हांडी के अंदर, तो ये ना थोड़ा सा मेरे से जल गया यार, बट ये हलवा बहुत टेस्टी है। ये तो हमारे चीज़ों जिन्होंने खाया नहीं, हमारा जो था हमने तो खा लिया, उन्होंने थोड़ा सा ही टेस्ट किया था, क्योंकि वो पता ही है आपको कि शूटिंग पे है दीदी, तो इसलिए खा नहीं रहे, डाइट पे हैं, हम खा रहे हैं यहाँ पे। ये हलवा खाओगे? खाने जाऊंगा भैया, हलवा खाओगे? और सन देखो गाइस, देख रहे हो आज मस्त धूप आ रही है, और ये जो मेरे पीछे कपड़े सूख रहे हैं धोती हूँ, फिर दो दिन लगते हैं इनको सूखने में, क्योंकि धूप अच्छी आ गई है आज ना, मुझे भी अच्छी लग रही है काफ़ी ना, सीधा फेस पे लग रही है। विटामिन डी ले रही हूँ मैं आज ना, राजवी तुम भी कुछ ही ले आओ, तुम भी बैठ जाओ धूप दे, विटामिन डी ले लो। हलवा एंजॉय कर रही हूँ मैं धूप में बैठ के। सो कंचन अभी बनाएंगे स्केच जो कंचन ने सीखी है, सीखी मतलब जो पढ़ाई करी है, किस चीज़ की करी कंचन? फैशन डिजाइनिंग है, जिसमें कंचन आगे पढ़ना चाहती है। तो कंचन अभी स्केच बना है कि उसका स्केच देखते हैं, मैं जा रहा हूँ नाने, मेरे नाने आने तक स्केच बनाना, फिर आपका डिसाइड करेंगे आगे आपकी कौन सी पढ़ाई करनी है, क्या आपको क्या मुंबई जा सकते हो या नहीं, या आपके ड्राइंग क्लासेस लगवाएं या फिर आपके ये लगवाएं, फैशन डिजाइनिंग आगे करवाएं, ये सब डिसाइड होगा। क्या बना रहे वैसे? अरे नहीं पहले मेरे को बताओ ना, मैं भी सोचूं बना क्या दिया, नहीं बताओ वो मैं पहले मेरे पेन जैसे इस पे मेल मेल तो नहीं मेल वो बना रहे हो या फिर फीमेल का वो बना रहे हो, मतलब ड्रेस? फीमेल ओके, फीमेल तुम चाहते हो तुम्हारे लिए जाऊंगी दुकान से कपड़ा कपड़ा ला के तुम्हारे लिए, तो मैं लाइव बनाऊंगी। पहले स्केच भी तो पसंद आना चाहिए। अरे तुम देखना मेरी कलाकारी, तुम जाओ देखना, आके देखता कहूंगी ये क्या। अरे बाप रे मेरी पास इतनी प्रिलियन, आगे देख लो। तो जी शाम का टाइम है, समोसे लेके आया, दीदी जी को समोसे खिलाएंगे और मैं ले आया हूँ साथ में पाव। हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, यहाँ बड़ा, अरे बोल रहा दूधा जी, मैं कहा हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, इधर मिला है बड़ा पाव, बड़ा तो ऐसे ही है बट मुंबई में इसके इससे बड़े साइज के होते हैं पाव, ये तो बहुत छोटा सा कंजेस्टर है। तो समोसा मैं पाव के बीच में रखे खाऊंगा इसलिए ले गया हूँ, और शेजवान भी पड़ी है ना। बस इसमें तुमने उसे ब्रेड पकौड़े नहीं खाए थे क्या? नहीं है क्या, कचौड़ी मिलती है, ब्रेड पकौड़े नहीं मिलते। बस तुम अपने लिए खाली समोसे लाए थे उस दिन जो खा रहे थे, इनकी चटनी बड़ी अच्छी है ना, आज देखते कैसी हुई, कॉफी साथ ही पियोगे ना तुम? ऑब्वियसली ओके, मैं चाय बना रही हूँ अपनी। सो अभी जस्ट मैं बाहर आया था और एक बड़ी ही मस्त चीज दिखी मेरे को, बड़ी अच्छी चीज, ये देखो मोबाइल भंडारा, मतलब भंडारा है, वैन है, अलग अलग जगह जाके लगाते होंगे, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, जिनको जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाते होंगे। लिए कुछ लाया हूँ मैं, दही तो तुमने मंगवाई थी, सी ये क्या है? गेस करो क्या है, बुड्ढी के बाल, ये इसके अंदर आते हैं कि शेक है क्या? शेक नहीं है, बुड्ढी के बाल डाले हुए हैं इसमें। बड़ा सही है यार, तो मैं कहा चलो देखते हैं ट्राई करके कितना फर्क है, घर वाले घर वाला कह रहा हूँ बाहर वाले, और इसमें 30 रुपए का डब्बा आगे देखो बताओ आगे, और आज क्या आज बन रहे हैं आलू के पराठे, आज बन रहे हैं आलू के पराठे, हाँ ग्रीन पेन ले गया मैं,
मैं क्या आज आलू के पराठे बन रहे हैं ना, इसलिए हम दही लेके आए हैं। ये भी खाऊं? देखो सही टेस्ट करके। वो का तो सेम ही यार, चेंज अच्छा अलग सी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर टेस्ट।